नमस्कार मित्रों, यहाँ पर गार्डन के अंदर मैं रोज़ आके खाना खिलाता था और वो भी 9 बजे के बाद, यानी 9 बजे आता था ताकि सब लोग निकल जाए, ताकि मुझे कोई टोकने वाला नहीं रहे। लेकिन आज मुझे एक मैडम ने टोक दिया और अंदर खाना खिलाना मना रहता है गार्डन में, ऐसे बोल दिया गया। तो आज मुझे बहुत दुख हुआ कि इतना अच्छा, देखो मैं सुकून से ग्रीन ग्रास के ऊपर बैठ के पहले ये 2 बच्चों को खाना खिलाता हूँ, फिर बाद में और यहीं पर 2 बच्चे हैं जो अभी सोए हैं गार्डन में, फिर क्योंकि इनका झगड़ा हो जाता है इसलिए वहाँ जाके वो 2 बच्चों को मैं खिलाता था। लेकिन आज ये ने काम इतना आसान नहीं है, टोका टाकी होते ही रहती है। मैं बोला इतना अच्छे से काम हो रहा है, अब तक किसी ने टोका नहीं मेरे को, लेकिन आज मुझे टोक दिया और बताया गया कि इनको आप बाहर लेके जाते जाओ और वहाँ खाना खिलाते जाओ। ठीक है, अभी देखता हूँ कि इनको बाहर बुला के खाना खिलाना पड़ेगा या तो फिर कैसे जमता है देखना पड़ेगा। लेकिन इतना मस्त जगह था, बढ़िया, मैं आराम से बैठ के वीडियो लेता था, मस्त खिलाता था, लेकिन अभी किसी की नज़र लग गई। तो मित्रों, ये बहुत कठिन काम है और जो आप लोग हेल्प भेजते हो उसी के भरोसे पे मैं हूँ। ये जो YouTube वगैरह है ये हमारे वीडियो को ज़्यादा प्रमोट नहीं करता, और आपको तो पता है ज़्यादातर डॉग लवर से ज़्यादातर डॉग हेटर्स है, वो हमारे वीडियो को स्किप करते हैं, डिसलाइक करते हैं। तभी तो हमारे वीडियो कितने भी अच्छे बनाओ, कितने अच्छे अच्छे मेरे पपीज़ थे, छोटे छोटे बच्चों को मैं पपीज़ के मैं वीडियो डालता था, लेकिन कोई भी वीडियो वायरल नहीं हुआ। और कुछ मेरा वॉच टाइम अभी तक 3000 या 4000 घंटे तक के वॉच टाइम चाहिए, मेरा केवल 1000 घंटा वॉच टाइम भी अभी तक हुआ नहीं है। यानी मेरे को और 1.5 साल ऐसे ही मेहनत करूँगा तो मेरा जो चैनल है मोनेटाइज होगा। मुझे बहुत होप थी, मुझे बहुत आशा थी कि YouTube मेरे कुछ छोटे तो भी वीडियो वायरल करेगा, लेकिन एक ही वीडियो मेरा जो टिक्स रिमूवल का था वो 5 लाख तक के पहुँचा, बाकी कोई भी वीडियो आगे जा नहीं रहा है। और बड़े वीडियो तो केवल 50-100 व्यूज़ तक के ही सीमित रह जाते हैं। तो YouTube क्या, जो कम कपड़े पहन के जो औरतें वीडियो बनाती है, जो यानी यंग लड़कों को तो वही चाहिए रहता है, तो ऐसे वीडियो वायरल होते हैं। और कुछ सही में जिसके पास बहुत अच्छा टैलेंट है, कॉमेडी है, जो डांस करते हैं, उनके कुछ वीडियो वायरल होते हैं। लेकिन यूट्यूब ने जो कुछ ऐसे काम करते हैं, डॉग्स को खिलाते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, गरीबों के लिए मदद करते, ऐसे स्पेशल कैटेगरी को भी यूट्यूब ने प्रमोट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो लेकिन YouTube अभी क्या है कि हमारे वीडियो तो ज़्यादा वायरल होते नहीं हैं, तो YouTube कहाँ से हमारे वीडियो को प्रमोट करेगा। मेरे सब्सक्राइबर बहुत है लेकिन 50-100 व्यूज़ के आगे बड़े वीडियोस जाते नहीं, तो मैंने तो उम्मीद छोड़ दी है कि मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, मेरे चैनल से पैसा मिलेगा, ये तो उम्मीद छोड़ दिया हूँ। ये जो कुछ है आपके भरोसे है, आप जो हेल्प भेजते हैं उसी के भरोसे मैं हूँ। और मैंने तो YouTube से तो उम्मीद छोड़ दी है, केवल आपको ही मैं वीडियो दिखाता हूँ और आप ही लोग मेरे को सहयोग करके मेरा ये काम आगे बढ़ाएंगे। YouTube से तो मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखी है अभी। तो ऐसे ही आप हेल्प करते रहो ताकि मैं इन बच्चों को खाना खिलाते रहूं, और जितने लोग वीडियो देखते हैं उतने ही सही,
तो ऐसा है कि अभी यहाँ पर भी मुझे टोक दिया गया। तो ये जो काम है इतना आसान नहीं है, यहाँ हर जगह टोका टाकी होती ही है। बहुत मुश्किल काम है ये, बेचारे डॉग्स को खाना खिलाना। खाना खिलाने वाले कम है, टोकने वाले ज़्यादा है। लवर्स कम है, डॉग लवर्स कम है, हेटर्स ज़्यादा है। तो फिर भी कुछ यूट्यूबर्स आगे बढ़ गए, जो बढ़ गए वो बढ़ गए।